नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवैध तरीके से बालू परिवहन करने के दौरान पुलिस प्रशासन ने 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। बडिया प्रखंड से लवकुश पांडे की रिपोर्ट। मजियाओं प्रशासन की लाखबंदियों के बावजूद भी अवैध रूप से बालू कारोबारियों का मनोबल 7वें आसमान पर है, ऐसा ही कुछ वाक्य बडिया थाना में देखने को मिला। बडिया थाना क्षेत्र में इन दिनों बालू कारोबारियों के द्वारा खुलेआम प्रतिबंधित नदियों से बालू की अनवरत ढुलाई कर औने पौने कीमतों में बिक्री किया जा रहा। इधर ललगाड़ा गांव के समीप सुबह लगभग 5 बजे अवैध रूप से बालू ले जाते थाना प्रभारी सुमन कुमार राय ने 4 ट्रैक्टर पकड़कर थाना लाया, जबकि 5वां ट्रैक्टर बालू लदा लेकर भागने में सफल रहा। चारों ट्रैक्टर थाना में जब्त कर सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता को जानकारी दी गई। सूचना के आलोक में अंचलाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता ने करीब 10:30 बजे बडिया थाना पहुंचकर जब्त सभी चारों ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ली। इसके पश्चात ट्रैक्टर मालिकों के द्वारा काफी आरजू विनती के बाद सीओ के द्वारा देर शाम को कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सौंप दिया। इधर बालू तस्करों एवं ट्रैक्टर पर तत्काल रूप से सीओ के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर पत्रकारों के द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें केवल पकड़ने का अधिकार है, केस करने का नहीं है, यह काम खनन विभाग का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर मझियाओं थाना के बूढ़ीखार गांव के सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, पिंटू यादव एवं पप्पू यादव का बताया जाए। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।